हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयशंकर पाल है, ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर बेगमगंज। आज मैं यहाँ पर एक एमपीडी का केस देखने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये भैंस को काफी तकलीफ है, एक पैर घसीटती हुई चल रही है। ये यूनिलैटरल एमपीडी का केस है और काफी पुराना है। किसान ने मुझसे कांटेक्ट किया और बताया कि सर, ये काफ़ी दिन से परेशान था, मैंने इधर उधर भी कॉल किए पर कोई डॉक्टर नहीं मिला। और ये भैंस 8 महीने की प्रेग्नेंट भी है और काफ़ी परेशान थी। मैंने इसका एक एमपीडी का ऑपरेशन किया है जो कि सफल रहा। आगे आप देखोगे इसमें कि देखो, मैं अभी इसमें प्रिपरेशन कर रहा हूँ ऑपरेशन के लिए। सबसे पहले मैंने ग्लव्स निकाल लिया, ग्लव्स निकालने के बाद पहन ली। अब मैं पालपेट कर रहा हूँ इसमें एक लेगामेंट, क्योंकि यहाँ पर जो लेगामेंट तीन पास ही पास में रहता है, मीडियल रहता है, मिडिल रहता है, लेटरल। इसमें अब उनको काटना होता है मीडियल, न कि मिडिल। अगर जरा सा आपका जो मिडिल में लग गया इंसिजन, तो हमेशा के लिए जो एनिमल है खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके काफ़ी जो एक्सपीरियंस बंदा ही इसको हैंडल करे, अदरवाइज इसमें जरा सी गलती हो जाए तो हमेशा के लिए जानवर बैठा रह जाएगा। इस बीमारी को अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला भी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अभी सक्सेसफुल ऑपरेशन कर दिया और ये फ्री हो गया, पटेला नीचे आ गया, जो ट्रोकिलियम फंस गया था भीमरकी में। अब देखो, ये भैंस खड़ी भी हो गई और ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं उनको बोला कि छोड़ दो, इसको दौड़ा दो, दे दौड़ने भी लगी अच्छे से। अब काफ़ी ओनर खुश हो गया, जैसे ही दौड़ने लगी तो ओनर भी खुश हो गया। देखो, आप देख रहे हो इसमें भागती हुई भैंस आ रही है, तो इसका मतलब मेरा पूरा ऑपरेशन सक्सेस रहा। अब यहाँ पर आप ओनर का रिव्यू सुनिए। आपसे संपर्क किया होगा, फिर आप लोग और भी, आपने इनके अलावा और भी किसी को पता? और भी पता करा था लेकिन मिला नहीं हमको कोई ऐसा। डॉक्टर साहब तो हम इनसे बात हो गई थी, हमने डॉक्टर साहब को तो लगाया ही नहीं। बाकी गांव के लोगों को, जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग जो करते हैं, उनको संपर्क किया था तो वो मिल नहीं पाए। अच्छा अच्छा, तो अब कैसे फील कर रहे हैं? नहीं, आप सही है, ठीक है ना, संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। सर के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा काम कर दिया।